बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं प्यारे दोस्तों आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की है बहुत ज़्यादा ज़रूरत। आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रही हूँ और आपकी दुआएँ और आपका साथ रहा तो मैं बहुत जल्द बहुत ही अच्छी वीडियो बनाना शुरू कर दूँगी। स्टोरीज़ आप किस तरह की सुनना चाहते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसी तरह की वीडियोस, उसी तरह की कहानीज़ लेकर आऊँगी जिस तरह की आप लोग पसंद करते हैं। अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे वाक़यात पेश करूँगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के बहुत से वाक़यात, लेकिन जंगे खंदक का वाक़या बहुत मशहूर है जिससे उनकी बहादुरी और अल्लाह पर भरोसे की आला मिसाल मिलती है। जंगे खंदक में अरब कबाइल ने मदीना पर हमला करने की नीयत से बड़ा लश्कर तैयार किया। मुसलमानों ने दुश्मन के हमले से बचने के लिए खंदक खोद ली, जिसके बाद कुफार मदीना में दाखिल होने से कासिर रहे। इस मौका पर कुरैश के एक बहुत ही बहादुर और मशहूर जंगजो उमरो बिन अब्दूद खंदक की दूसरी तरफ से मुसलमानों को लड़ने के लिए ललकारने लगा। उमरो बिन अब्दूद एक ताकतवर और माहिर जंगजो था और उसकी बहादुरी के किस्से अरब में मशहूर थे। जब उसने मुसलमानों को ललकारा तो कोई भी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था सिवाय हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की और आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर मैदान में कदम रखा और उमरो बिन अब्दूद के सामने डट गए। दोनों के दरमियान एक सख्त मुकाबला हुआ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत, शुजात और ताकत के ज़रिए उमरो को शिकस्त दी और उसे कत्ल कर दिया। ये कामयाबी मुसलमानों के हौसले बुलंद करने का सबब बनी और कुफार में खौफ व हिरास फैल गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ये बहादुरी और अल्लाह पर भरोसा मुसलमानों के लिए मिसाल बन गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस वाकये पर फरमाया, अली की एक ज़र्ब क़यामत तक आने वाले इंसानों के अमाल से ज़्यादा अफजल है। तो दोस्तों आपको ये आज के वाकया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे दोबारा एक और अच्छे से वाकये के साथ, अच्छी सी कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।